हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको आईबीपीएस के जो क्लर्क के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके दोनों एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, जो प्री की एग्ज़ाम है उसकी भी सेंटर बताऊँगा और जो मेन्स की एग्ज़ाम है उसकी भी सेंटर्स बताऊँगा। और ये आपको मैं आज स्टेट वाइज बताऊँगा, अलग अलग बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन, तो दोनों की ये डिटेल्स है। प्रीलिमिनरी जो प्री की आपका एग्ज़ाम है उसकी भी यहाँ पे दी हुई है और मेन की दोनों की यहाँ पे सेंटर दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। और आईबीपीएस की जो एग्ज़ाम है इसमें होने वाले हैं ये टेंटेटिव है, तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 98% यही चीज़ ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेट कोड 1, तो 11 है स्टेट कोड और ये आपका अंडमान एंड निकोबार है। तो यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार में आपका प्री की जो एग्ज़ाम है वो आपका पोर्ट ब्लेयर में होंगे और जो मेन के एग्ज़ाम है वो भी आपका यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में होंगे। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपका जो प्री के एग्ज़ाम है तो बहुत सारे सेंटर है, जैसे कि आपका चिराला, चित्तूर, गुंटूर, हैदराबाद, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, ओंगोल, पुट्टूर, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तो ये तिरुपति, श्रीकाकुलम, राजमुंड्री, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, तो ये बहुत सारे प्री के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो बहुत जगह में होंगे और जो आपका मेन के एग्ज़ाम है वो कम हो जाते हैं मेन के एग्ज़ाम में, क्योंकि कैंडिडेट्स भी कम हो जाते हैं क्योंकि प्री में आधा कट जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स प्री के क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसमें मेन के लिए कम सेंटर्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर 4 सेंटर हैं आंध्र प्रदेश के लिए, गुंटूर, कुरनूल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। उस तरह यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की भी दी हुई है, जो प्री के एग्ज़ाम में आपका ईटानगर और नाहरलगुन में होंगे और जो आपका मेन के एग्ज़ाम है ये आपका ईटानगर में सिर्फ होंगे। उसके बाद आपका आसाम है, तो आसाम में आपका डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, कोकराझर, सिलचर और तेजपुर, तो ये सारे जगह में आपका प्री के एग्ज़ाम होंगे और जो मेन एग्ज़ाम है आपका सिर्फ गुवाहाटी में होंगे। इसकी जो पूरी डिटेल की एक वीडियो है वो मैंने पहले ही आपको अपलोड करके दे दी थी, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एज डिटेल्स और एग्ज़ाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन फी और सारे डिटेल्स मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बिहार, तो बिहार के जो सेंटर हैं आपका प्री के लिए आरहा, औरंगाबाद, भागलपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवन, तो ये देख सकते हैं आप। तो बिहार के लिए बहुत सारे सेंटर हैं प्री के लिए और जो मेन का आपका एग्ज़ाम है वो तीनों जगह में होंगे, आपका आरहा, हाजीपुर और पटना, सिर्फ ये तीनों जगह में आपका मेन के एग्ज़ाम होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ में होंगे प्री के एग्ज़ाम और मेन के एग्ज़ाम भी चंडीगढ़ में ही होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आपका 3 सेंटर हैं प्री के लिए, भिलाई, बिलासपुर और रायपुर। उसके बाद जो मेन के एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपका रायपुर में होंगे। नेक्स्ट आपका दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव, तो ये इसमें आपका 2 सिटीज़ हैं सूरत और जामनगर, और जो आपका मेन के एग्ज़ाम होंगे वो आपका सूरत में होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिल्ली, तो दिल्ली के जो सेंटर्स हैं आप देख सकते हैं बहादुरगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, तो ये सिटीज़ में आपका प्री के एग्ज़ाम होंगे और जो मेन के एग्ज़ाम है वो आपका दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में होंगे। नेक्स्ट आपका गोवा है, गोवा में आपका पणजी और बरना में आपका प्री के एग्ज़ाम होंगे और मेन के एग्ज़ाम आपका पणजी में होंगे। नेक्स्ट आपका गुजरात है, तो गुजरात स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये नोट कर सकते हैं, उनका एग्ज़ाम प्री का जो है वो अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, हिम्मतनगर, जामनगर, मेहसाना, राजकोट, सूरत और बड़ोदरा में होंगे, और जो मेन के एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपका अहमदाबाद और गांधीनगर, ये 2 सिटी में होंगे। नेक्स्ट आपका हरियाणा, तो हरियाणा में आप देख सकते हैं ये प्री के बहुत सारे जगह दिए हुए हैं, अम्बाला, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, तो ये सारे जगह में आपका प्री के एग्ज़ाम होंगे और जो मेन के एग्ज़ाम आपका सिर्फ यहाँ पे हिसार में होंगे। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में बड्डी, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलान, ऊना, तो ये जगह में आपका प्री के एग्ज़ाम होंगे और जो मेन के एग्ज़ाम होंगे वो शिमला और सोलान में होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में आपका जम्मू, कठुआ,
सांबा और श्रीनगर, तो ये चारों जगह में आपका प्री के एग्जाम होंगे और जम्मू और श्रीनगर में आपका मेन के एग्जाम होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे झारखंड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सारे सिटीज दिए हुए हैं सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे झारखंड था, तो झारखंड का आपका बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, तो ये सिटीज़ में आपका प्री के एग्ज़ाम होंगे और जो मेन के एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ आपका जमशेदपुर और रांची में होंगे। नेक्स्ट उस तरह आप यहाँ पे कर्नाटक का देख सकते हैं, केरला का देख सकते हैं, लक्षद्वीप के देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र के भी देख सकते हैं, तो सारे डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। जिसकी मैं बता रहा था महाराष्ट्र का आपका यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ हैं, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, थाने, नवी मुंबई और नागपुर, नांदेड, नासिक, पुणे, रत्नागिरी, सांगली और सतारा, तो ये सारे सिटीज़ में आपका सेंटर होंगे प्री के लिए और जो मेन के एग्ज़ाम होंगे वो आपका औरंगाबाद, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, नागपुर और पुणे में होंगे। तो इस तरह आप सारे स्टेट्स के देख सकते हैं। उड़ीसा का जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अनुगुल, बालेश्वर, बरगढ़, बारीपदा, बरमपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, राउरकेला, संबलपुर, तो ये सारे सिटीज़ में आपका प्री के एग्ज़ाम होंगे और जो मेन के एग्ज़ाम होंगे सिर्फ आपका भुवनेश्वर में होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही डिटेल्स था, अगर ये डिटेल्स आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।